भारत देश में दहेज प्रणाली सदियों से प्रचलित है। यह प्रणाली समाज में प्रचलित बुराइयों में से एक है। कहने को भारत में आज मॉडर्नाइजेशन का प्रचलन बढ़ रहा है, पर क्या वास्तव में ऐसा हो पाया है? हाल ही में तिरुवनंतपुरम से आई यह घटना हम सबको यह सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। आयुर्वेद मेडिकल की एक 24 वर्षीय छात्रा विस्मया वी नायर की सोमवार को केरल में अपने पति के घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने से मौत हो गई। आपको बता दें, घटना से एक दिन पहले विस्मया ने अपने परिवार को व्हाट्सएप चैट मैसेज की एक श्रृंखला भेजी। अपनी व्हाट्सएप चैट में उन्होंने कहा कि उनके पति को दहेज के रूप में पिता द्वारा दी गई कार पसंद नहीं आई थी और इसी बात पर वह उनसे मारपीट करता था। विशेष रूप से कुमार द्वारा कार को लेकर उत्पीड़न किया जाता था और वह विस्मया के पिता के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यह कहता था कि वह अपने कद के अनुसार अधिक दहेज का हकदार था, लेकिन फिर भी उसे दहेज बहुत कम मिला। बता दें, विस्मया के पिता त्रिविक्रमण नायर ने दावा किया है कि उनके परिवार ने कुमार को 2020 में उनकी शादी के दौरान दहेज के रूप में 10 लाख की कार के अलावा सोना और 1 एकड़ से अधिक जमीन भी दी थी। इसके अलावा उन्होंने कुमार पर यह आरोप भी लगाया है कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती और यह कुमार के परिवार द्वारा हत्या का मामला है। विस्मया के मौत के अगले दिन परिवार की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।